नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो बाल विकास में, बाल विकास जो कि मैं यूपी टेट के लिए पढ़ा रही हूँ, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, और ये तो सभी जो भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें सभी में काम आएगा, चाहे वो सी टेट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे आर टेट हो, इवन यूजीसी नेट में भी काम आएगा। तो इस सीरीज़ के तहत मैंने पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी कंप्लीट करा दी है, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। तो आज मैं पढ़ाऊँगी कोलबर्ग की थ्योरी। इस थ्योरी को पूरा समझने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखें, और इस पर बेस्ड मैं MCQ की भी वीडियो डालूँगी, जिसके बाद आप उसको भी देखेगा तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचे और इसका फ़ायदा उन्हें मिले। तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, ये 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर स्टडी करके बनाया गया है, उसके तथ्यों का विश्लेषण करके बनाया गया है। और कोलबर्ग के अनुसार, जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जब एक द्वंद्व की स्थिति है आती है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उस समय ये तार्किकता, यानी नैतिक तार्किकता का, ये नैतिक मोरल डेवलपमेंट उस समय होता है, और ये तभी महत्वपूर्ण, और वहीं उसी टाइम वो एक अंतिम निर्णय ले पाता है। और कोलबर्ग ने धारणा बनाई है कि बालक अपनी विकास की अवस्था में 3 स्तरों से होकर गुजरता है, 3 स्तरों से गुजरकर वह नैतिक तार्किकता की योग्यता को विकसित कर पाते हैं। यानी कि कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स बताए हैं। इन थ्री लेवल से होकर के जब बालक गुजरता है, तभी उसकी संपूर्ण नैतिक तार्किकता का विकास होता है। मोरल नैतिक तार्किकता का मतलब है कि मोरल रीजनिंग की योग्यता का विकास होता है। मोरल तार्किकता यानी कि मोरालिटी, नैतिकता को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि नैतिकता का मतलब, यानी कि ये वो गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत में पहचान करता है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उस समय ना ही नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। इसका मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान नहीं होती है। अच्छा बुरा में अंतर वो नहीं कर पाता है। तो ये सामाजिक परिवेश जो है, उसको धीरे धीरे सिखाता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। जब वो धीरे धीरे ये चीज़ें सीख जाता है, तो वही उसकी मोरालिटी डेवलप हो जाती, उसी को नैतिक तार्किकता कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मोरालिटी क्या है। अब हम समझेंगे कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की विशेषता क्या है, यानी कि कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में मोटी मोटी बातें क्या बताई हैं, क्या विशेषताएं बताई हैं। तो सबसे पहले तो कोलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि कई स्टेजेस में है। सबसे पहले तो ये लेवल्स में है, ये थ्री लेवल्स में है, और इन थ्री लेवल्स में टू जो है स्टेजेस हैं, तो टू स्टेजेस हर एक लेवल में है, तो इसलिए इसे स्टेज थ्योरी कहा जाता है। इसके अलावा जो है, इन्होंने जो भी लेवल्स हैं और उसमें जो भी स्टेजेस है, उसको यूनिवर्सल बताया है। यूनिवर्सल का मतलब कि हर मतलब आप चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, चाहे वो बच्चा अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, सब में ये स्टेजेस आएंगी। और तीसरी चीज़ ये बताया है कि ये एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि स्टेज 1 है तो उसके बाद 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, तो ये स्टेप बाय स्टेप आती है। और जो इसकी लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में बहुत कम ही बच्चे लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन ये स्टेज आती है। इसके अलावा जो है, इन्होंने बताया है कि जो नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, यानी कि नैतिक तर्कता कितनी है, उसके बेस पर ही लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। उस नैतिकता का मेच्योरिटी लेवल कितना है आप में और सामने वाले में, उसके बेस पर आपके और मेरे सोच में डिफरेंस आएगा। वही डिफरेंस को हम जो है व्यक्तिगत भिन्नता का आधार मानते हैं, और इसको कोलबर्ग ने भी माना है। तो अब देख लेते हैं स्टेजेस क्या क्या बताई हैं। सबसे पहले तो लेवल इन्होंने बताया है,
पूर्व परंपरागत अवस्था यानी कि लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल स्टेज। हाँ, आप इसमें जो है दो स्टेजेस इन्होंने बताई है, आज्ञा दंड की अवस्था स्टेज ऑफ ऑर्डर और पनिशमेंट, एंड अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ एगो, ये दो स्टेजेस। फिर दूसरा लेवल कौन सा है, परंपरागत अवस्था लेवल ऑफ कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें कि दो स्टेजेस हैं, प्रशंसा अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उसके बाद इन्होंने बताया है थर्ड लेवल उत्तर परंपरागत स्तर, जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ये जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। इसमें जो है दो स्टेजेस है, सामाजिक समझौता की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो चलिए अब इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल है पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये स्टेज जो है 4 से 10 वर्ष की आयु तक होती है, 4 से 10 वर्ष तक की आयु तक की होती है। इस स्टेज में जो है बालक बाहरी तत्व और घटनाओं के आधार पर व्यवहार को नैतिक और अनैतिक मानता है। मतलब कि इस अवस्था में नैतिक विकास जो होता है, मैं नैतिक मोरल रीजनिंग जो होती है, वो दूसरों के स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होती है। यानी कि एक्सटर्नल जो फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि बड़े, उसे बड़े जो होते हैं उनके मानकों के आधार पर, उनके द्वारा स्थापित रूल्स और नियम के आधार पर ही वो अपना व्यवहार को गलत और सही मानता है, उसी पर बेस्ड होकर के वो व्यवहार करता है। प्री कन्वेंशनल दो है, दो पार्ट में डिवाइड है, आज्ञा एवं दंड अवस्था और अहंकार की अवस्था। तो आज्ञा और दंड की अवस्था में जो है बालक का व्यवहार जो है ओबीडियंस ओरिएंटेड होता है, यानी कि उसमें आज्ञाकारिता होती है। आज्ञाकारिता क्यों होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में दंड से दूर रहने की जो एक अभिप्रेरण होता है, कभी प्रेरणा होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति से हमेशा जो है उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और उनसे दंड ना मिले किसी भी बात को लेकर के इस कोशिश में रहते हैं कि दंड से बचा जा सके। उसी बेस पर जो है उनका व्यवहार आधारित होता है। तो इस अवस्था में जो है मुख्यतः उनका व्यवहार जो है दंड से बचने के लिए आदेश का वो पालन इस अवस्था में करते हैं। और ये जो स्टेज है अहंकार की अवस्था, ये अवस्था जो है बालक स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला जो है व्यवहार करता है, जिससे कि उसकी इच्छाएं पूरा हो जाए। इस अवस्था में बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता स्पष्ट रूप से शो करते हैं, ताकि पारस्परिकता इसलिए शो करते हैं कि वो जो अच्छा व्यवहार दूसरों को दिखाएंगे तो उसी के अगेंस्ट में उनको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। तो इसलिए आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है और इस समय जो है वो अपनी इच्छा पूरा करवाना चाहते हैं, जिसके कारण जो है सामने वाले की भी इच्छा पूरी करना वो जानते हैं। ऐसा कि इसमें आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें बराबरी लेन देन होता है और दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, ये उसके अंदर भावना होती है। और इस अवस्था में बच्चा थोड़ा अहंकारी भी होता है, यदि उसको उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से पूरा होता है तो वो भी काम करना अनैतिक नहीं मानता है। तो स्पष्ट होगा कि इस अवस्था में बच्चा जो है मेनली अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा अग्रसर होता है। तो ये सेकेंड लेवल है परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। ये जो अवस्था होती है 10 से 13 साल की होती है और यहाँ जो है बच्चा दूसरों द्वारा स्थापित स्टैंडर्ड को अपने में आंतरिकृत कर लेता है, यानी कि उसे अडॉप्ट कर लेता है तथा उन मानकों के हिसाब से, यानी कि उन स्टैंडर्ड जो दूसरों ने स्थापित किया है, जो सही गलत एक निश्चित किया है, के अनुसार ही वो सही गलत का निर्णय लेता है। यानी कि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी दो अवस्थाएँ क्या होती हैं। तो पहली अवस्था जो होती है प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो भी करता है वो प्रशंसा पाने की एक कहते हैं कि मोटिवेशन उसके अंदर आ जाती है। वो गुड बॉय और नाइस गर्ल बनने की एक भावना अंदर से अभी प्रेरित होती है और उस व्यवहार को वह अनैतिक नहीं मानता है जिसमें
उसे प्रशंसा मिलती है। इस बच्चे का चिंतन स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है, यानी कि बच्चे में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने की अभिप्रेरणा बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसके कारण जो है वो अच्छा लड़का और लड़की बनने के लिए जो है बहुत सारे प्रयास करता है। ये कन्वेंशनल स्टेज लेवल की दूसरी स्टेज है। तो इसके पहले बारे में देखा कि जो है उस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक जो है समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है, लेकिन इस स्टेज में आ करके वो समाज का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे समझने लगता है, और इस अवस्था में समाज के नियमों के विरुद्ध यदि कोई कार्य करेगा तो वो अनैतिक होगा ये वो समझने लगता है। इसलिए वो आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होकर के नैतिक तार्किकता का विकास करने लगता है। इसके अलावा जो है इस स्तर पर बच्चे उन सभी कार्यों को सही समझने लगते हैं जिससे कि दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अप्रूव करते हैं, या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है वो इस स्टेज में वो उसे नैतिक मानने लगते हैं। ये जो है लास्ट लेवल है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि इस अवस्था में बच्चे में नैतिक आचरण जो है आंतरिक नियंत्रित होता है, यानी कि उनका एक इंटरनल कंट्रोल अपने ऊपर आ जाता है। यह नैतिकता का सबसे हाई लेवल उच्च स्तर होता है, हाईएस्ट लेवल होता है, और इस नैतिकता यानी कि ट्रू मोरालिटी का ज्ञान बच्चों में होता है। तो चलिए इसके दो स्टेजेस होते हैं देख लेते हैं। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि नाम से ही सो हो रहा है कि ये सामाजिक समझौते की स्टेज है, यानी कि जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो अच्छे से समझ जाता है कि ये एक आपसी समझौते की समाज और हमारे बीच जो है मोरालिटी एक आपसी समझौता है। यदि हम अपने हमें समाज ने जो दायित्व दिए हैं, जो नॉर्म्स कहता है फॉलो करने के लिए, तो हम उसको फॉलो करते हैं तो उससे हमारे हितों की रक्षा होती है, यानी कि हमें भी मान सम्मान एक अस्तित्व समाज में मिलता है। और इसके अलावा यदि हम उसके नियमों को तोड़ते हैं तो उसी हिसाब से हमें डिसरिस्पेक्ट से हमारे अस्तित्व को एक कह सकते हैं कि पहचान नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से बालक में आ जाती हैं कि हम यदि समाज को मानेंगे तो समाज हमें भी मानेगा, और समाज की इस अवस्था में वह समझ जाता है कि जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि समाज सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है, यानी कि वो ये भी रियलाइज़ कर लेता है कि ये जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन हैं ये हम अपने हिसाब से समाज को अपने समझा करके कन्विंस करके हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। मतलब बच्चे ये विश्वास करने लगते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तभी होता है जब उसके मेंबर्स जो है समाज के मेंबर्स उसके नियमों का आदर पूर्वक पालन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज इसकी देखते हैं। ये लास्ट लेवल का लास्ट स्टेज है। जैसा कि कहा जाता है कि इस लेवल तक जो है बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बच्चे में जो है अपना खुद का एक उचित अनुचित अच्छे बुरे का एक अच्छा सा परसेप्शन हो जाता है, उसे खुद से पता चल जाता है। वो इस समय अब किसी को फॉलो नहीं करता है, वो अपने बनाए नियमों पर चलना जान जाता है कि हम अपने नियम बना करके अपने हिसाब से उचित अनुचित का डिसीज़न हम अच्छे बुरे का गलत सही का डिसीज़न हम ले सकते हैं, यानी कि इस समय वो अपने विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करने लगता है। इसलिए इसे उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था कहते हैं, जहां किशोर जो है एक यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और बच्चे में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा यानी कि निंदा से बचने की भी अभिप्रेरणा बहुत तीव्र होती है। तो इसके लिए भी वो करते हैं और अपने बनाए नियमों पर भी वो चलना अच्छे से जान जाते हैं। तो ये था पूरी जो है कोलबर्ग की पूरी थ्योरी थी। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी की विशेषता क्या बताई है, ये बताई है कि ये इस थ्योरी को
स्टेज थ्योरी भी कहते हैं और इसे 3 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें दो दो स्टेजेस आती हैं और ये इस तरीके से 6 अवस्थाओं में इसे बांटा गया है। ये सार्वभौमिक है, नहीं सभी में पाया जाता है, एक निश्चित क्रम में होता है और जो है इस अवस्था में उच्च अवस्था तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और तर्क के आधार पर लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। आगे तो जो 3 लेवल्स है, पूर्व परंपरागत, फिर उसके बाद परंपरागत है, फिर उसके बाद है उत्तर परंपरागत स्टेज। तीनों लेवल्स के दो दो स्टेजेस है। आगे और दंड में, जिसमें दंड पर आधारित उसका व्यवहार होता है और ये जो है अहंकार की अवस्था में नीड को फुलफिल करने के लिए वो एक लेन देन कि मैं तुम्हें तुम्हारा हेल्प करूंगा तो तुम ही मेरी हेल्प करो कि इस पर आधारित व्यवहार करता है। फिर दूसरे स्टेज में वो गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की एक अभिप्रेरणा उसके अंदर होती है। इसके अलावा जो है समाज के प्रति धीरे धीरे उसके अंदर सम्मान आने लगता है कि हम यदि समाज के नियमों को मानेंगे तभी हमारा समाज जो है हमें सम्मान देगा। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है ये लास्ट लेवल है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसमें कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अच्छे से समझ जाता है कि समाज अभी तो वो ऊपर वाले स्टेज में समाज की प्रशंसा पाने के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन इस स्टेज में इम्पॉर्टेंस, समाज का इम्पॉर्टेंस समझ जाता है और जानता है कि यदि हम उसके बनाए नियमों का पालन करेंगे तभी हमारे हितों की रक्षा होगी। फिर लास्ट वाला सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में उसका स्वविवेक डेवलप हो जाता है, उस स्वविवेक के आधार पर वो सही गलत का निर्णय लेने के लायक हो जाता है। तो ये थी पूरी समरी इस कोलबर्ग की थ्योरी की। इसके इस पर आधारित मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगी, जिसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लगातार मेरे चैनल बने रहिए। इस मैथ की क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है, उसके बाद मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी। तो गारंटी है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आपकी यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो लाइक और शेयर करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।